अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस और मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इमेज ट्रेसिंग, जो कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप पेन टूल से ट्रेसिंग नहीं कर सकते और आपको फौरन काम चाहिए, तो आप कैसे इमेज ट्रेस कर सकते हैं। तो चले चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। जब भी लोग ये सब इमेजेस मैंने गूगल से लिए हैं, इस इमेज को अगर मैं चाहता हूँ कि जो है ना मैं इसकी इमेज ट्रेस करूँ, तो मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा, डिफॉल्ट पे करूँगा, ब्लैक इन वाइट इमेज को भी ट्रेस आउट होकर आपके सामने आ जाएगी। इसको मैं कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं डिफॉल्ट पे इसको कर देता हूँ। ये देखें कितनी हाई रेजोल्यूशन हमारे पास सामने आ गई, जबकि इसको देखेंगे तो ये पिक्सल लेट हो जाती है। ओके, इसको क्या करना है आपने, अगर आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, एक्सपेंड पे जाएंगे, अनग्रुप करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। ओके, जिस इसका आप कलर चेंज करना चाहें, अपने जो डिटेल्स वाले मेरे ट्यूटोरियल है इलस्ट्रेटर के, उसमें मैं साथ साथ समझा रहा हूँ। हमने पढ़ा था एक पेंट बकेट टूल के बारे में, पेंट बकेट टूल पर हम लोग जाते हैं, लाइव पेंट बकेट टूल पे, इस पर मैं चाहता हूँ जी इसको हमें ब्लू चाहिए, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ब्लू कलर हो गया। ओके, सारे टूल आपस में साथ साथ मर्ज हैं, तो उनको डिटेल्स में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी कर सकते, कलर कर सकते हैं। जबकि मैं सेकेंड अभी इमेज पे जाता हूँ, जब इमेज पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ज़्यादा सी ट्रेस के ऑप्शन और ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेस्ट है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, फिर मैं इसको ट्रेस आउट करता हूँ, इसको करूँगा तो ये ब्लैक एंड वाइट के लिए ज़्यादा अच्छा है डिफॉल्ट जो इसका ऑप्शन है। जबकि हाई क्वालिटी पे जाएंगे तो हाई क्वालिटी में अच्छी इमेज दे दिया हम लोगों को। एक और चेक कर लेते हैं, ये दो ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ कलर के लिए। उसके अलावा आपकी चॉइस है कि आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं, 3 कलर्स यूज़ करना चाहते हैं, 6 कलर्स यूज़ करना चाहते हैं, 16 कलर यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड है। ये देखिए इस इमेज पे मैं जाऊँगा, ये पिक्सल रेट हो रही है, जबकि मैं आपकी वेक्टराइज इमेज पे जाऊँगा तो वो पिक्सल रेट नहीं होगी, जितना मर्जी इसको मैं बड़ा कर लूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये एक इमेज मैंने ली थी पैरेट की, जिसको मैं चाह रहा हूँ कि जो है मैं इसको हाई रेजोल्यूशन पे करूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं लो रेजोल्यूशन पे क्लिक करूँगा। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क हुआ वो आई का डिफरेंस आ रहा है, आई मैं दोबारा से बना लूँगा। ओके, चलिए जी इसकी आई बन गई, दैट्स इट। इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं एज यूजुअल, जो मैंने आपको समझाया, एक्सपेंड करके इसको अनग्रुप कर लिया, इसको डिलीट कर दिया। ओके, ये देखें जी ये हमारे पास पैरेट बन के आ गया। उसके अलावा ये जो इमेजेस हमने निकाली थी, इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, अनग्रुप कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। सेलेक्ट करके और डिलीट का बटन जैसे दबाना कीबोर्ड से आपने, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप कर लिया। रिफ्लेक्ट टूल हमने पढ़ा था, उससे भी कर सकते हैं और आपकी चॉइस है आपने कैसे रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया, ऐसा करते हैं, इधर इसका सेंटर दे देते हैं, इधर इसको वर्टिकली कर देते हैं, रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट हो गया जी, ये आ गया। कर लिया कंट्रोल जी, ओके,
सर ये दो मैंने मिक्सअप किए हैं और ये देखे इतना ज़बरदस्त मेरे पास ऑप्शन आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। और अगर आप बिगनर हैं और आप सीखना चाहते हैं तो चलते रहिए मेरे साथ ट्यूटोरियल्स के साथ। आपको मैं हर सॉफ्टवेयर डिटेल्स में वैसे सिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जो आज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।